Hello everyone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine. Now, आज हम अध्याय दो पढ़ेंगे, जैसा कि हमने अध्याय वन पढ़ लिया था. और अब ये हमारी हिस्ट्री है. हिस्ट्री यानी हमारे अतीत के बारे में हम पढ़ रहे हैं. आखेट खाद संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है. ये हमारा चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 2 है. सबसे पहले लिखा हुआ है तुषार की रेल यात्रा. तुषार की अपनी रेल यात्रा कैसी रही उसके ने बताया. तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था. रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया. तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे. तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी. बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, यानी बस जो आई वो इसके कुछ दशक बाद आई. दशक कहते हैं 10 साल को. तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, सवारियां मीन्स जिस पर हम सवार होकर चलते हैं उसे सवारी कहते हैं, ठीक है, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी. चलिए तो फिर हम पढ़ते हैं कैसी बात थी. क्या वो एक ही जगह रुकते थे या वो घूमते फिरते भी थे? अगर आना जाना करते थे तो किस तरह करते थे, ठीक है. तो चैप्टर की शुरुआत यहाँ से है. आरंभिक मानव, यानी शुरुआत में जो इंसान था वो किस तरह था, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे. सबसे पहली वजह ये कि वो क्यों घूमते थे. हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे. आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं. आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा ये नाम, ठीक है. भोजन का इस्तेमाल करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है. क्या चीज़, किस चीज़ का इंतज़ाम करते थे? भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है. आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे. मतलब इस तरह की चीज़ें वो इकट्ठा करते थे खाने के लिए. आखेटक संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे. ऐसा करने के कई कारण थे, कोई एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे जो हम पढ़ेंगे. पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे. इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था. यानी जब एक जगह रुके रहेंगे तो वहाँ की जो चीज़ें होंगी, जो फल फ्रूट्स आए होंगे, सब्जियाँ आई हुई होंगी, वो सब खा के समाप्त हो जाएंगी. फिर क्या होगा, उन्हें और आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि खाने के लिए उन्हें इंतज़ाम करना पड़ेगा. दूसरा कारण ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं. इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे. मीन्स इसका मतलब ये, जब इंसान किसी जगह पर जाकर बसते थे तो वहाँ से जानवर जो है दूर भागा करते थे क्योंकि वो शिकार करते थे. इंसान जो है जानवरों का शिकार करते थे इसलिए वो जानवर वहाँ से दूर भागा करते थे, फिर इंसान भी उनके पीछे पीछे जाया करता था शिकार करने के लिए. तो इस वजह ये भी एक कारण है. तीसरा कारण ये है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे. और चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है. और पानी झीलें, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है. यानी जो पानी के साधन हैं हमारे पास क्या क्या है, या तो झील से पानी मिलता है या झरनों से या नदियों से. इसके अलावा जो पानी है, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि सर समुंदर से, तो समुंदर का पानी पीने लायक नहीं होता. यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी 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 नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है. इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा. यानी जैसे कुछ बड़ी नदियाँ हैं वो तो नहीं सूखती हैं, लेकिन जो छोटी नदियाँ हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग सूख जाती हैं और फिर बारिश होती है तो फिर उनमें पानी आ जाता है. तो इस तरह की भी कुछ नदियाँ हैं. अब मान लीजिए हम कहें कि गंगा और यमुना ये नहीं सूखेंगी, मीन्स ये नहीं सूखती हैं बारिश हो या ना हो, लेकिन इनमें पानी ज़रूर होता है. तो ऐसी नदियाँ नहीं सूखती, लेकिन जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं
वो सूख जाया करती हैं, तो बारिश के मौसम में फिर उनमें पानी भरता है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? अब हम जानकारी पढ़ रहे हैं थोड़ी बहुत ऊपर, तो ये आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती कैसे है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, यानी जो पहले के लोग हैं उनको हमने ये नाम दिया हुआ है आखेटक खाद्य संग्राहक। वो लोग कुछ चीज़ों को इस्तेमाल किया करते थे, उनकी कुछ वस्तुएं मिली हैं। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, यानी जो पत्थरों के औजार थे वो आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, ये पत्थर हैं और ये इस तरह की ये इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। तो ये आपके किताब में अच्छी तरह दिया दे रखा होगा, यहाँ लिखा भी है पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं यानी ये वाला, ये जो है ये बाएं है, ठीक है। और इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, ठीक है। और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये जो ये बाएं पत्थरों का इस्तेमाल जड़ खोदने के लिए, खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, और यह आपका किस लिए, खाल से बने वस्त्रों को जोड़ने के लिए इसका पत्थर का इस्तेमाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह किस तरह निर्धारित करते थे? मानचित्र दो को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ ही गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, यानी ज़्यादातर नदियों और झीलों के किनारे ही लोग बसा करते थे। और आप गौर करेंगे तो हमारे जितने भी शहर हैं, जितने भी बड़े शहर हैं, वो सब नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि नदियों के आसपास जो है इंसान को सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। अब वो पत्थर क्यों ढूंढते थे, देखिए। क्योंकि जाहिर है उन्हें पत्थर की ज़रूरत थी, और वो पत्थर से औजार भी बनाते थे, हथियार भी बनाते थे, बहुत सी चीज़ें वो पत्थर का इस्तेमाल करके बनाते थे। इसलिए वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पत्थर होते थे। अब इसमें साइड में भी कुछ लिखा हुआ है, भीम बेट का आधुनिक मध्य प्रदेश, ये जगह का नाम है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? ये तो बहुत आसान सा सवाल है, आप इसका जवाब बता भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जाहिर है उन्हें घर की ज़रूरत होती थी, और अगर वो झोंपड़ी वगैरह बनाते भी थे तो उसमें बरसात से भी परेशानी होती थी। ऐसा तो नहीं वो पल्ली डाल दिया करते होंगे, घास फूस से ही उनकी झोंपड़ी बनती होगी। कुल मिला के उन्हें पत्थर की गुफाओं की ज़रूरत थी बेहद, क्योंकि बारिश से बचने के लिए। इसमें सारी बातें बताई भी गई, तो अब आगे देखते हैं। ये चित्र शैल चित्र, इनसे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि इंसान किस तरह जानवर का शिकार करता था। और जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। सजीव चित्रण, सजीव यानी जो जीता जागता पोस्टर बनाया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें छोड़कर वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा।
यानी ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ज़मीन पर पाए जाते हों, ये कभी कभी नदियों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब है आगे आग की खोज। आग की खोज कैसे की गई इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मानचित्र दो में कुरनूल गुफा ढूंढो। अब मानचित्र दो की तरफ चलते हैं, कुरनूल गुफा देखते हैं कहाँ है। ये आप देखेंगे कुरनूल गुफा, जल्दी से ढूंढो और बताएं। कुरनूल गुफा हमारी नीचे की तरफ है, कहाँ, ये रही कुरनूल गुफाएं, ये हमारी कुरनूल गुफाएं। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम मानचित्र दो में कुरनूल गुफाएं ढूंढी हमने, इसके बाद लिखा है यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। किसके, राख के। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। यानी इन तमाम कामों के लिए, जैसे जानवरों से बचने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता होगा, और मांस यानी गोश्त अगर बनाना है तो उन्हें भूनने के लिए आग का इस्तेमाल, और रोशनी के लिए, इन तमाम कामों में उन्होंने आग का इस्तेमाल किया होगा। अब यहाँ लिखा हुआ आज आग का उपयोग किस लिए करते हैं, आज हम किस लिए करते हैं आग का उपयोग। हम भी बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आप सोचेंगे और एक लिस्ट बनाकर मुझे देंगे कि हम इन इन चीज़ों में आग का इस्तेमाल करते हैं। नाम और तिथियाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ये नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, यानी लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। यानी अभी अगर हम सन देखें तो कितनी है, 2020, और 2020 का मतलब यानी ये और भी पहले तक की उम्मीद है, यानी हम जब से डेट स्टार्ट की गई है उससे भी बहुत साल पहले, लगभग 10,000 साल उससे पहले, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है ये काल। ठीक है, इस काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। ठीक है, इन मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, इतिहास की लगभग 99% कहानी 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। ये लाइन छूट गई थी, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, पर्यावरण यानी हमारा एनवायरनमेंट में जो बदलाव मिलते हैं उसे मसोलित यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण युग उसे कहते हैं जिसमें हमारे पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। ठीक है, इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में तुम्हें इसे अनेक नाम मिलेंगे, ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके नाम क्या रहे होंगे, तो इसलिए हम उन्हें कई नामों से जानते हैं। तो इसमें हमें आगे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इन्हें बहुत से नामों से जाना जाता है। तो ये आपका ये हिस्सा जो ब्लू है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इसको समझना है। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी है, हमारे तीन काल गुजरे हैं, कौन कौन से। नंबर 1 आरंभिक काल,
आरंभिक काल को क्या कहते थे, पुरापाषाण काल कहते थे, और दूसरा आपका जो 1,00,000 साल पहले से 12,000 साल पहले तक था ये पुरापाषाण काल, और नंबर दो क्या था, नंबर दो था आपका मध्य पाषाण युग, और इसका टाइम क्या था 12,000 साल पहले से लगभग 10,000 साल पहले तक, और इसके बाद तीसरा काल कौन सा था, तीसरा काल था आपका नवपाषाण युग, नवपाषाण काल जो कि 10,000 साल पहले से है, ठीक है, 10,000 साल पहले से नवपाषाण युग कहलाता है। तो ये तीनों युग हैं, इनकी डेट और इनके बारे में कि क्यों इसका नाम हमने नवपाषाण रखा या मध्य पाषाण रखा, इस तरह से हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं बदलती जलवायु। बदलती जलवायु में लिखा है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारासिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ये था हमारा बदलती जलवायु। बदलती जलवायु से क्या हुआ था, गर्मी बढ़ी और उससे फिर घास के मैदान बढ़ने लगे। इस तरीके से फिर यानी जो जो बदलाव आए उसमें वो सारी चीज़ें। खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे या ऑटोमेटिक उगने लगे थे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने क्या किया होगा इसके बारे में, लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे, कृषक यानी किसान, ठीक है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी, अब देखिए ये कहानी हमने कल ही पढ़ी है, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। हमने इंग्लिश की बुक में कुत्ते की कहानी पढ़ी थी ना, वही कहानी, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को क्या करने लगे, पालतू बनाने लगे। सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। वह अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे, यानी वो धीरे धीरे पशुपालक बने होंगे। पशुपालक किसे कहते हैं, पशुपालक जो पशुओं को पालते हैं, ठीक है। अब पशु किसे कहते हैं, पशु आप जानते हैं, जानवरों को कहते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकती हो या बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया। अब आपके लिए सवाल है कि कुत्तों को ही सबसे पहले पालतू क्यों बनाया गया। इससे आगे की कहानी यानी इससे आगे का चैप्टर अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।